A very warm and beautiful good morning to my dear students of 6th class. This is Vanisha, your teacher of English from Kalpana Chawla Vidyapeeth. How are you all? Hope you all are fine and happy at your places. From today we are going to start chapter number 3 of English, that is Catty Walks Again. This is a story of a girl. बेटा ये एक स्टोरी है गर्ल की, कैटी कार, जो कि 12 ईयर ओल्ड गर्ल है, जिसका कि कुछ टाइम पहले एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद वो व्हील चेयर पर थी, बट अपनी डिटर्मिनेशन, अपने करेज के बल पे वो दोबारा से खड़ी हुई और अपने आप से चलने लगी. ओके बेटा, बाय नॉट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट द स्टोरी. One day Clover and Elsie were busy downstairs and were startled by the sound of Catty's bell ringing in a sudden and agitated manner. एक दिन क्या हुआ, क्लोवर और एल्सी दोनों बिजी थी डाउनस्टेयर्स, मतलब सीढ़ियों से नीचे कोई काम कर रही थी, तो वो अचानक से हैरान हो गई. कैटी की जो व्हील चेयर की बैल थी वो अचानक से बजने लगी, बिल्कुल मतलब हैरान करने वाले मैनर में, एगिटेटेड मैनर में. बोथ रैन अप टू सी वट वॉज वॉन्टेड. दोनों भागी कि क्या हुआ एकदम से, वो क्या चाहती है. कैटी सैट इन हर चेयर लुकिंग वेरी फ्लश्ड एंड एक्साइटेड. कैटी अपनी चेयर पे बैठी हुई थी लेकिन वो काफ़ी फ्लश मीन्स रेड फेस लग रही थी, उसका फेस बिल्कुल रेड था और वो एक्साइटेड थी. ओ गर्ल्स शी एक्सक्लेम्ड, वो चिल्ला के बोलती हैरानी में, एक्साइटमेंट में, व्हाट डू यू थिंक आई स्टूड अप, तुम क्या सोचते हो मैं खड़ी हो गई थी. व्हाट क्राइड क्लोवर एंड एल्सी. एल्सी और क्लोवर दोनों कहती हैं क्या तुम खड़ी हो गई थी. आई रियली डिड, मैंने ये किया था. आई स्टूड अप ऑन माई फीट बाय माई सेल्फ, कि मैं अपने आप अपने फीट पे खड़ी हो गई थी. द अदर्स वर टू एस्टोनिश्ड टू स्पीक सो कैटी वेंट ऑन एक्सप्लेनिंग. जो दूसरे थे वो उसके बात सुनने में काफ़ी है ज़्यादा हैरानी उनको महसूस हो रही थी कि एकदम से ये कैसे हो गया. कैटी तो व्हील चेयर पर थी, उसको तो अभी टाइम था ठीक होने में. जिस तरह से कैटी एक्सप्लेन कर रही थी तो वो बिल्कुल हैरान हो रहे थे उसकी बात से. इट वॉज ऑल एट वंस यू सी, ये एक बार हुआ है तुम देख सकते हो. सडनली आई हैड द फीलिंग दैट इफ आई ट्राइड आई कुड एंड ऑलमोस्ट बिफोर आई थॉट आई डिड ट्राई एंड देयर आई वॉज अप एंड आउट ऑफ द चेयर. तो उसने कहा कि एक बार हुआ है अचानक से मुझ में फीलिंग आई कि मैं ट्राई करूं और मैं कर सकती हूं. तो मैंने सोचा मैंने ट्राई किया और मैं अपनी चेयर से बाहर थी, मैं खड़ी हो गई थी. ओनली आई कैप्ट होल्ड ऑफ द आर्म्स ऑफ द टाइम, लेकिन मैंने अपनी जो आर्म्स थी उससे व्हील चेयर को पकड़ा हुआ था. I don't know how I got back. मुझे नहीं पता कि मैं दोबारा से कैसे उसके ऊपर बैठ गई. I was so frightened. मैं काफ़ी डर गई थी. Oh girls, saying this, Catty buried her face in her hands. ये कहते हुए अपनी सिस्टर्स को कैटी ने अपना फेस छुपा ली और वो रोने लग गई थी. Do you think I shall ever be able to do it again? वो कहती है क्या तुम सोच सकती हो कि क्या मैं ये दोबारा कर सकती हूँ. She asked looking up with wet eyes. वो उनकी तरफ देखती है रोने वाली नज़रों से. वो रो रही होती है, उसकी आंखें गीली होती है और वो उनकी तरफ देखती है. Why? Of course you will, said Clover. क्लोवर कहती है हाँ क्यों नहीं, तुम ऐसा कर सकती हो. Elsie danced about. Elsie डांस करने लग जाती है, crying out anxiously. और वो बिल्कुल रोते हुए डांस करती है बिल्कुल हैरानी से कि अच्छी बात है कि मेरी बहन ठीक हो रही है. Be careful, do be careful. वो कहती हैं कि तुम केयरफुल रहना और केयरफुली से ही सारा काम करना. कैटी ट्राइड बट द स्प्रिंग वॉज गॉन, शी कुड नॉट मूव ऑफ द चेयर. कैटी ट्राई करती है लेकिन स्प्रिंग का मौसम भी चला जाता है लेकिन वो दोबारा अपनी चेयर से खड़ी नहीं हो पाती है.
आफ्टर दैट आप नेक्स्ट पेज बेटा, शी बिगेन टू वंडर इफ शी हैड ड्रीम द होल थिंग, वो हैरान हो रही होती है कि क्या है सब कुछ उसके लिए सपना था, उसके लिए ड्रीम था। बट द नेक्स्ट डे व्हेन क्लोवर हैपन टू बी इन द रूम शी हर्ड ए सडन एक्सक्लेमेशन, लेकिन अगले दिन क्या होता है, क्लोवर अपने रूम में थी, उसने चिल्लाने की आवाज़ सुनी, एक्सक्लेमेशन हैराने की आवाज़ सुनी। टर्निंग अराउंड शी सा कैटी स्टैंडिंग ऑन हर फीट, घूमते वो देखती है कि कैटी जो है अपनी फीट पे पैरों पे खड़ी है। पापा पापा श्रीक्ड क्लोवर रशिंग डाउन स्टेयर्स, वो पापा पापा चिल्लाते हुए सीढ़ियों से नीचे आ जाती है। डोरी जोन एलसी कम 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 एंड सी, वो सबको बुलाती है अपने भाई बहनों को, डोरी जोन एलसी कम कम आओ और देखो। पापा वॉज आउट बट ऑल दी रेस्ट क्राउडेड अप एट वंस, पापा बाहर थे लेकिन सभी ने वहाँ पे भीड़ लगा ली थी। दिस टाइम कैटी फाउंड नो ट्रबल इन डूइंग इट अगेन, इस टाइम कैटी को ऐसा करने में मतलब दोबारा खड़े होने में कोई भी परेशानी नहीं हुई थी। इट सीम्ड एज इफ ही इफ हर विल हैड बीन एस्लीप एंड नाउ दैट इट हैड वोकन अप, उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी जो विल पावर थी वो सो गई थी लेकिन अब वो जाग गई है, मतलब उसमें विल पावर पैदा हो गई है। द लिम्स रिकॉग्नाइज इट्स ऑर्डर एंड ओबेड देम, जो उसके लिम्स थे मतलब उसकी टांगें जो चल नहीं रही थी उन्होंने उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी ऑर्डर्स को फॉलो किया और वो खड़ी हो गई। व्हेन पापा केम इन ही वॉज एज एक्साइटेड एज एनी ऑफ दी चिल्ड्रन, जब पापा घर में आए तो उन्होंने वो भी उतने एक्साइटेड हुए थे जैसे कि बाकी बच्चे एक्साइटेड थे। ही वॉकड अराउंड एंड राउंड द चेयर क्वेश्चनिंग कैटी एंड मेकिंग हर स्टैंड अप एंड सिट डाउन, उसके पापा भी चेयर के चारों तरफ घूमने लग जाते हैं और कैटी से क्वेश्चनिंग करते हैं कि तुमने ये कैसे किया, ये कैसे हुआ ये, और उसको बार बार खड़े होने के लिए और बैठने के लिए कहते हैं। एम आई रियली गोइंग टू गेट वेल शी आस्क ऑलमोस्ट इन अ विम्पर, वो बिल्कुल सॉफ्ट साउंड में अपने पापा से बोलती है कि क्या मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी, क्या मैं बिल्कुल ठीक होने जा रही हूँ। उसके पापा बोलते हैं यस माई लव आई थिंक यू आर, रिप्लाई डॉक्टर कार, उसके पापा डॉक्टर थे, उनका नाम था डॉक्टर कार, तो उन्होंने बोला हाँ तुम ठीक हो रहे हो, मैं सोच रहा हूँ कि तुम ठीक हो रही हो। नन ऑफ द चिल्ड्रन हैज एवर बिफोर सीन पापा बिहेव सो लाइक अ लिटल बॉय, उनमें से किसी भी बच्चे ने कभी नहीं देखा था कि उनके पापा एक बच्चे की तरह, एक बॉय की तरह बिहेव कर रहे हैं। बट प्रीटी सून नोटिसिंग कैटीज बर्निंग चीक्स एंड एक्साइटेड आइज, लेकिन जल्दी ही कैटी जो बर्निंग चीक्स मतलब कैटी दोबारा से रोने लग जाती है और एक्साइटेड हो जाती है कि हाँ भी अब मैं ठीक हो जाऊँगी। ही कामड हिमसेल्फ सेंट ऑल दी अदर्स अवे एंड सैट डाउन टू डाउन एंड क्वाइट हर विद जेंटल वर्ड्स, तो वो अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करते हैं, काम डाउन करते हैं और सभी को भेज देते हैं और ख़ुद फर्श पे बैठ जाते हैं और अपने जेंटल वर्ड से कैटी को भी मतलब प्यार से उसको समझाते हैं कि आप, अब कैटी को समझाते हैं बिल्कुल अपने जेंटल वर्ड से बिल्कुल आराम से कि अब तुम ठीक हो रही हो। आई थिंक इट इज़ कमिंग माई डार्लिंग, वो कहते हैं कि हाँ ये बिल्कुल ठीक हो रहा है। He said, but it will take time and you must have a great deal of patience. वो कहते हैं कि बिल्कुल ठीक होगा, अब तुम्हारे में विल पावर भी है तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन तुम्हें उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। ओ पापा said, कैटी इट इज़ नो मैटर इफ इट टेक्स अ ईयर इफ ओनली आई गेट वेल एट लास्ट, वो कहती है कि पापा ऐसा कुछ भी नहीं है, चाहे इसमें पूरा ईयर लग जाए लेकिन एंड में लास्ट में मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँ यही मेरे लिए बहुत अच्छी बात है।
By the end of the August, she had grown so strong that she began to talk about going downstairs. अगस्त के एंड तक वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई थी कि वो दोबारा इस बारे में बात कर रही थी कि मैं सीढ़ियों से भी नीचे जाऊँ. उसका कमरा जो था, रूम था, सीढ़ियों के ऊपर था. तो पापा को एंड ऑफ दी अगस्त उसने सोचा कि अब तो मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ, तो इसलिए उसने सोचा कि मैं पापा से बात करूँ कि मैं सीढ़ियों से भी नीचे आ सकती हूँ. बट पापा सैड, लेकिन उसके पापा क्या कहते हैं, वेट करो, इट विल टायर यू मच मोर देन वॉकिंग अबाउट ऑन अ लेवल. ये तुम्हारे लिए थका देने वाला होगा कि तुम जितना सोच रही हो उससे भी ज़्यादा चलने के लिए. ही एक्सप्लेन, यू हैड बेटर पुट इट ऑफ अ लिटल वाइल, कि तुम इस आइडिया को थोड़े टाइम के लिए छोड़ दो. टिल यू आर क्वाइट श्योर ऑफ यूअर फीट, जब तक कि तुम्हें पूरा अपने पैरों पर विश्वास ना हो जाए. आई थिंक सो टू, सेड क्लोवर. क्लोवर कहती है हाँ ठीक है, ऐसा हो सकता है. एंड बिसाइड्स आई वॉन्ट टू हैव दी हाउस ऑल पुट इन ऑर्डर एंड मेड नाइस बिफोर यूअर शार्प आई सीट. अब उसके पापा कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं घर को बिल्कुल अच्छे से अरेंज करूँ, मीन्स डेकोरेट करूँ, और तुम्हारे लिए अच्छा बनाऊँ ताकि तुम अपनी आँखों से उसको देख सको. क्योंकि काफ़ी टाइम से वो नीचे नहीं आई थी, तो उसको नीचे का भी जो रूम्स थे उसमें किस तरह से क्या था वो भूल चुकी थी. ओ आई विल टेल यू, सच ए ब्यूटीफुल आइडिया हैज़ केम इन टू माई हेड. और वो कहती है कि मैं आपको बताती हूँ कि मेरे दिमाग में काफ़ी अच्छा सा एक आइडिया आया है. यू शैल फिक्स अ डे टू कम डाउन, कि तुम एक दिन फिक्स कर लो नीचे आने के लिए. कैटी, एंड वी विल बी ऑल रेडी फॉर यू, और हम सभी तुम्हारे लिए तैयार रहेंगे. वी विल हैव ए सेलिब्रेशन अमंग आवरसेल्व्स, और हम सब सेलिब्रेट भी करेंगे इस बात को. दैट वुड बी जस्ट लवली, हाउ सून मे शी. पापा, वो बिल्कुल इतनी अच्छी बात होगी. वो कहते कितनी जल्दी मैं आ सकती हूँ, अपने पापा को कहती है. वेल इन 10 days आई शुड से इट माइट बी सेफ, वो कहते कि 10 दिन में मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे लिए ये सेफ होगा. टेन डेज दैट विल ब्रिंग इट टू द 7th of September, वो डेट भी काउंट करने लग जाती है कि 10 दिन के बाद ये तो 7th of September होगा. वॉन्ट इट, सैड कैटी. देन पापा, इफ आई मे आई विल कम डाउन स्टेयर द फर्स्ट टाइम ऑन द 8th. इट वॉज ममाज बर्थडे, यू नो शी एडिड इन ए लोअर वॉइस. अब वो कहती है कि 7 September को नहीं बल्कि 8 September को मैं नीचे आऊँगी, उस दिन हमारी मम्मा का बर्थडे होता है. तो अपनी कम आवाज़ में डरते हुए पापा को कहती है. सो इट वॉज सेटल्ड, इसलिए ये बात फिक्स होगी कि वो 8 September को नीचे आएगी. क्लोवर सीम टू बी वेरी बिजी ऑल द रेस्ट ऑफ द वीक, अब पूरे वीक जो क्लोवर थी वो काफ़ी बिजी रही थी. शी वॉज हैविंग विंडोज़ वॉश्ड, उसने सारी विंडोज़ वगैरह वॉश की. शी सैड बट दिस एक्सप्लेनेशन हार्डली अकाउंटेड फॉर हर लॉन्ग एब्सेंस एंड द मिस्ट्रीज एक्सक्यूलेशन ऑन हर फेस नॉट टू मैंशन. अब उसने कहा कि ये जो एक्सप्लेनेशन है कि उसका नीचे कितने टाइम तक वो नीचे नहीं गई थी और अब अचानक से वो ऐसी सिचुएशन में नीचे जाएगी, नीचे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको कुछ भी नहीं मालूम था, ये उसके फेस पे झलक रहा था. उसके फेस से पता चल रहा था कि वो काफ़ी एक्साइटेड थी. ओके स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड इट वेल. रिमेनिंग पार्ट वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास. Bye bye everyone.